मरीना वैली, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। और आज हमारा पहला फाइनल है, शान रमज़ान 2024 का पहला फाइनल आज है हमारे डिबेट कॉम्पिटिशन का। किरार भाई, पहला मतलब फाइनल ही है, मतलब नहीं यानी किसी भी मुकाबले का फाइनल ना। अच्छा, ओके। यानी शान इल्म का फाइनल अभी कल होना है, डिबेट का, वो बैतबाजी का भी होना है, और नातिया मुकाबले का आज रात में होगा, रात की शरीयत में। हां माशाल्लाह, आप जरा कंटिन्यू करें मेरा माइक। चलिए बिल्कुल जी, ठीक है। अल्लाह ताला सेहत दे वसीम भाई, बड़ी हिम्मत है। मैं ये कह रहा था कि माशाल्लाह इतना अरसा इस गले को भी दाद देनी चाहिए कि जिसने साथ दिया और दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब पहले मुकर्रर हैं ख्वाजा साद, और आज के इस तकरीरी मुकाबले के फाइनल का जो मौजू है वो है हम देखेंगे। बिस्मिल्लाह। गुलामी की शब तारीख जब अपनी बिसात लपेटती है सदरे आली वकार, तो हजारों सितारों का खून वक्त के मशरिक को लाजवाल बना देता है। जब वादिये मशरिक से खून की नदियां बह जाती हैं, तो दूसरी जानेब चांद बेचारा आखिरी हिचकी लेता है, और किसी बेवा की आंख का आंसू बनकर होश में आता है। नुजूमों कहकशा के हजारों मोती सहर के लिए दुआएं मांगते मांगते किसी महबूबे किबरिया की हशमत साजी की भेंट चढ़ जाते हैं। तब जाकर हम देखेंगे कि सदा बुलंद होती है, और हम देखते हैं कि जुल्मो इस्तबदाद की ऊंची ऊंची चट्टानों को जेर किया जाता है, और वतन पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे कायम होता है। जी हां, लेकिन आज भी जब वक्त के समंदर में जमाने तखय्युल की नाव डूबने लगती है सदरे आली वकार, तो हम देखेंगे कि सदा बुलंद होती है, और सिपाही मोहम्मद हुसैन और मेजर अदील शाहिद जैसे नौजवान जुल्मो इस्तबदाद की चट्टानों को रेजा रेजा करते हैं। जब आज भी इस सरजमीन पे हमारे मुल्क की बेटियों के हुकूक की पामाली होती है, तो हम देखेंगे कि सदा बुलंद होती है, और सलीमा बेगुन के हुकूक का तहफ्फुज़ करती है। जब जब इस मुल्क के ऊपर सफाकियत जैसा एक तबका सफाकियत करता है, तो हम देखेंगे कि सदा बुलंद होती है, और हम सफाकियत के मीनारों को गिराते हैं। जब जब इस सरजमीन की बेटियों को कमजोर और लागर समझा जाता है, तो हम मरियम मुख्तार, नसीम हमीद, और कभी इस मुल्क की बेटी आयशा फारूक की सूरत बुलंद होती हैं, और ये बता देती हैं कि हम किसी से कम नहीं। और जब जब दुनिया हमें कमजोर समझती है और हकारत की निगाह से देखती है, तो हम अली सतबारा की सूरत सदा बुलंद करते हैं कि भले तादाद में कम है मगर मक्तल में आएंगे, बगावत करने वालों को किसी का डर नहीं होगा। हमें इंसान की इंसानियत का बाब लिखना है, हमारा खून बोलेगा अगरचे सर नहीं होगा, मौर्रख फिर नई तारीख का। राइट जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाजा साथ थे हमारे पहले, आज के कंटेस्टेंट मौजू है हम देखेंगे वी गो टेल जाविया का। आज ये फाइनल है जो डिबेट कंपटीशन, जिसका आगाज़ रमज़ान से हुआ, उसका आज इख्तिताम होने लगा है। आज यहाँ से इन तीनों में से, इन चारों में से कोई एक हमारा दोस्त, हमारा भाई 2 लाख रुपए जीत कर जाएगा इंशाल्लाह वी गोटेल की जानिब से। रनर अप के लिए मोबाइल्स हैं वी गोटेल की जानिब से, और थर्ड और फोर्थ पोजीशन होल्डर के लिए सेवेस्टन की जानिब से स्मार्ट वॉचेस हैं। अब्दुल मुईज है हमारे अगले कंटेस्टेंट। जना हवाए शहर हब से बेजा में है, गुज़िश्ता 4 रोज से तकरीर की तैयारी, और अस्थमा से अपनी सांसों की हिफाजत के लिए बरसरे पैकार ये नन्ना सा लड़का अपने जहन में कुछ मासूमाना सवालात लेकर आया है कि साइंस सतह समंदर से लेकर हवाए शहर तलक हर गांव मालूदगी के तसल्लुत पर फरियादी है, क्योंकि ये तसलसल यूं ही रहा तो हम देखेंगे कि सैयारा इंसानी पर ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी, लेकिन कारखानों की चिमनियों से धुएं के मरगूले खारिज करते सरमायादार के कानों पर जू तक क्यों नहीं रिंगती, सैकड़ों बरस बाम दस्तों गिरेबा रहने के बावजूद इटली फ्रांस और जर्मनी यूरोपीय यूनियन के बंधन में बंधकर कत्लो गारत का खात्मा करके तरक्की
की राह पर सफर कर सकते हैं तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए बम और टैंक बनाने के बजाय फूल और पेड़ क्यों नहीं उगा सकते ताकि मैं और मुझ जैसे इस धरती के बच्चे अपनी आंखों में इस ख्वाहिश के दिए जला सकें कि तितली जुगनू गुल सितारे देखेंगे दिल लुभाते सब नजारे देखेंगे। सदरे अली वकार हम देखेंगे अगर ये जुमला ख्वाहिश हो तो अपने जेरे इल्तवा फैसलों के इंतज़ार में जिंदान की दीवारों को तकते अनगिनत कैदियों की सुबह आज़ादी के लिए होगी। अगर हसरत हो तो 9000 गुमशुदगान की बाजियाबी के लिए किसी कबाइली माँ की होगी। अगर आरज़ू हो तो अपनी उंगलियों के पूरों से चीज़ों को महसूस करते किसी नाबीना की बसारत के लिए होगी। कि ज़ी वक़ार हम देखेंगे अगर ये कसक हो तो हर साल हजारों की तादाद में लुटते इस शहर बेअमा के बसियों की अमन के लिए होगी। उम्मीद हो तो जिंदगी का चरखा कटते हर दिन इंतजार में हर पाकिस्तानी की होगी कि हम देखेंगे लाजिम है कि हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल मुईस। मोहम्मद सॉरी अम्माद इकबाल हमारे आज के सेकंड लास्ट कंटेस्टेंट हैं वी गो टेल जाविया के यानी कि डिबेट कंपटीशन जो कि आज अपने इख्तिताम को पहुंच रहे हैं। अम्माद इकबाल खाक बरसर और खूब बदामा हम लोग 21वीं सदी के दामन में कायम मरकद इंसानियत के गिर्द अपनी नाकामियों और नामुरादियों का सबब ढूंढते हैं। हम वो बद इकबालो बेबसो बेकस लोग जिन्हें अजल से ता इमकां हाँ सदरे आली वकार हम वो बेबस लोग जो कहते रहे तारीख के सफ़े में गुम होकर के तुम चाहो तो कलो सीमे रूम में कत्ल करो इंसानों को तुम चाहो तो मसीह को मसलूब करो तुम चाहो तो चीर दो लाशा मीसम का हम हैं आज़र के मजबूरों महबूस खुदा हम देखेंगे हम फकत उम्यून नहीं मगर सुम्मुम बुकमुन गूंगे बहरे हैं हमारे सामने ईथन्स और स्पार्टा की औरतों की रिदा चाहे फारसी देवता नोच डाले या राजा पोरिस का सर नेके सिना से जा सजे हम हैं मर्दाने बेजार हम देखेंगे तुम चाहो अहले तातार बन कर आओ और हमारी कनपट्टी से हमारी जुबानें खींचो या फिर सैयद फुरकान या फिर सल्तनत उस्मानिया का वारिस बनकर ईसाई औरतों के पेट चीर दो हम खामोश जमहूर बंधवा मजदूर हम देखेंगे हाँ सदरे आली वकार सत्वतों के कारे हम ऊंची इमारतें बनाते जंगलों से जमीनें खींचते रहे हम जंबगलों से जमीनें खींचते रहे हम वो फरहादो मीना व अय्याम जो फारिस के उंदलुस के साहिल में ये डटा लहे के माजी के मज़ारों से मार्क्स से मूसा तक हमने सदा लगाई कि तुम हमसे रस्म शब्बीरी छीन लो हमसे रस्म शब्बीरी छीन कर हमारी रगें चा गाट दो तुम चाहो तो डार्क एजिस में इंसानियत का लिबादा ओढ़े इंसानों से उनके अंदर खिले ठोंको हाँ सदरे आली वकार हम शहर के ब्रिज पर हमारे हाथ साकित रहे सदा लगाते रहे कि हम इन आंखों की पुतलियों से देखेंगे। राइट जनाब बहुत शुक्रिया। मोहम्मद बिन यासीन आएंगे हमारे आज के आखिरी कंटेस्टेंट। दीवाने का ख्वाब सदरे अली वकार थॉमस मूर नामी दीवाना जो 1516 में मुतलकुल इनानी और नो आबादियाती दौर में जकड़ी इस दुनिया को एक ऐसा ख्वाब दिखा रहा था जहां समाज इंतहाई बराबरी के साथ
तरक्की की राह पर गामजन हो। यूटोपिया एक ख्याली जन्नत ही सही सदरे आली वकार, लेकिन जॉर्ज ऑरवेल के एनिमल फॉर्म से 180 डिग्री मुख्तलिफ खड़ा नजर आता है। फिक्री उरूज का तसादुम जनाबे वाला, हम देखेंगे आइडियलिज्म का एक ऐसा ही तस्वुर है जो रियलिज्म के कायम करदा बुत तोड़ता है। और 1986 में इकबाल बानों के गाए गए गीत की सूरत जालिमों से अपने हुकूक छीन लेने पर बसित हो जाता है, चाहे उसके लिए फैज को जेल जाना पड़े या इकबाल बानों की साड़ी मजहब मुखालिफ करार देकर चला दी जाए। हम देखेंगे सदरे आली वकार साइबेरिया के परिंदों को मंचर झील पे बिला रुकावट जिंदा पहुंचना। हम देखेंगे सदरे आली वकार बुहैरे रूम की डॉल्फिन्स को लीबिया के मासूमों के साथ खुश होते हुए। हम देखेंगे सदरे आली वकार अमरीका की 50 रियासतों में अलग अलग मुजस्मे आज़ादी। हम देखेंगे सोमालिया की माओ के दूध पिलाते शादाब चेहरे। हम देखेंगे यूक्रेनी लड़कियों के फरते मसरत में मुस्कुराना। हम देखेंगे और ये सब देखकर जब हम सोएंगे तो फितरत के आंगन में परिंदों और झींगरों की खुश आवाज सुनकर हमारे साथ ही जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फॉर्म और इंसानियत की तबकाती तफरीक के तमाम फार्मूले भी अबदी नींद सो जाएंगे कि हम देखेंगे जनाबे वाला गजा के साहिलों पर फलस्तीनी बच्चों को मट्टी के घर बनाते हुए। हम फितरत के हैं नामवर दोस्तों, देखते हैं उम्मीद सार दोस्तों, देखते हैं उम्मीद सार दोस्तों, जुल्मत लोहे अफलाक ढलने को है। राइट जनाब, ओके, बहुत शुक्रिया। आइए, बल्कि आइए चारों यहाँ पर आइए। हमारा वी गो टेल साविया, यानी कि हमारा डिबेट का मुकाबला जो कि यकुम रमज़ान मुबारक से आगाज़ रमज़ान से जारी था, वो आज अपने इख्तिताम को पहुँच गया है। तमाम मुकर्ररीन तकारीर कर चुके हैं शान रमज़ान 2024 की। ये आखिरी तकरीर थी डिबेट कॉम्पिटिशन की जो कि आपने भी सुन ली। अब नतज का वक्त है। ऑफकोर्स इकरार भाई जजमेंट के फ़राइज सर अंजाम देते हैं, हमने अपने तौर पर मुआवनत या अपना इनपुट हमने भी दिया है, लेकिन इत्तेफाक से आप कह रहे थे कि शायद हम दोनों की राय तकरीबन सेम ही है, ऐसे ही जी। वसीम भाई आज चीफ जज थे नहीं, और नहीं। हम दोनों ने खुशाइन बात यह है कि मुझे इस बात का इम्कान था कि जाहिर एक इंसान से गलती का इम्कान हाँ। ज़्यादा होता है, तो आज मैंने इनसे दरख्वास्त की कि आप भी अज़राए करम मेरी रहनुमाई फरमाइए। अच्छी बात यह है कि तमाम चारों मुकर्ररीन के हवाले से दर्जाबंदी है वो आपके और मेरे कार्ड्स के, हमने नकल किया लेकिन एक है, तो इससे हौसला के बहरहाल इंसाफ के करीब तरीन फैसला इंशाल्लाह है, इंशाल्लाह सही है। तो जनाब आज हम दोनों भाइयों के मुत्तफ़क़ा फैसले के मुताबिक जो अच्छा मुकाबला था, गलतियां बहुत कम, मैं रिजल्ट अनाउंस करने के बाद बताऊंगा कि फैसला कुन चीज क्या थी। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो ताकि फिर वरना अंदाजा हो जाएगा कि चौथी पोजिशन जिस मुकर्रर ने हासिल की है उनका नाम है अम्माद इकबाल, गवर्नमेंट कॉलेज। सही, बहुत सारी तालियां जाहिर है, फाइनल तक पहुंचे जी, यानी मरहला दर मरहला पूरे महीने के बेहतरीन, मुल्क भर के चार बेहतरीन मुकर्रर इस वक्त सामने खड़े हैं, सामने मौजूद हैं, जबरदस्त। तीसरे नंबर पर जो मुकर्रर हैं उनका नाम है ख्वाजा साद फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से। सही है, अब अगर हम यूं कर सकें कि आप जो दो रह गए वो एक कदम आगे आ जाएंगे दोनों, और हम और फिर जिनका नाम ले वो एक कदम मजीद, फिर एक कदम आगे आके नीचे ना गिर जाएगा जनाब। अब अनाउंस करने लगे शान रमजान 2024 के वीगो टेल जाविया के विनर का, जो कि अपने साथ 2 लाख रुपए कैश प्राइज लेके जा सकेगा, जो कि इन दो में से कोई एक होगा। मुकाबला है दो जामियात में, हाँ, जामियातुन नूर और जामियातुन रशीद। राइट, ठीक है जी, माशाल्लाह बड़ी शानदार बात। तो जनाब आज के इस मुकाबले के फाइनल यानी जाविया डिबेट कंपटीशन 2024 के इस मुकाबले के जो फातिह हैं वो हैं हमारे नन्हे मुकर्रर अब्दुल मोईज। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, जबरदस्त, शाबाश, वेल डन, जबरदस्त।
₹2,00,000 विकोटेल की जानिब से वेरी वेरी सब बात हमारे इस नन्हे साथी ने जीते हैं जिनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं मुझे सब शाबाश वेरी वेरी बहुत अच्छे वेल डन माइक जरा देंगे जरूर ये जनाब अली अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं हाथ क्यों कांप रहे हैं सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया दानियाल भाई श्याम भाई आपने अपॉर्चुनिटी दी इसके बाद मैं अपने इदारे जामतुल अनवर और उफाद एजुकेशन सिस्टम का बेहद शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने हर वक्त हर जगह मेहनत और मदद फरमाई इसके बाद चंद नाम लूँगा मौलाना खुर्शीद हैदर साहब मौलाना नदीम रशीद साहब मौलाना आसिम बिलाल साहब मोहम्मद बिन फैसल भाई और खुदाया भाई के इन तमाम ने हौसला अफजाई की मेहनत की आसिम बिलाल भाई ने अभी यहाँ तक पहुँचाने में हर जगह मदद की इसके बाद वालदा का जिन्होंने हर वक्त दुआ की वालिद साहब का जो यहाँ तक लेकर आए मैं आप तमाम को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ शुक्रिया जब ये मुकाबला शुरू हुआ था तब आपको कितनी उम्मीद थी कि बात यहाँ तक आ जाएगी जब मुकाबला जैसे ही मैं अनाउंस यानी यहाँ पर सेलेक्ट हुआ था तो मैं समझा था कि सीनियर है तो एक साल है तो इस साल नहीं आ सकूंगा हाँ। अब आपने कुछ सोच रखा है कि इस इनामी रकम का आपने क्या करना है हाँ, दो लाख इंशाल्लाह उमरा करूंगा अरे वाह 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 क्या बात है क्या बात है क्या बात है जिंदाबाद एक काम करना है उमरे पे जाना है दोनों भाई याद रखेंगे पक्की बात है याद रहेंगे ना इंशाल्लाह जबरदस्त क्या बात है बहुत शुक्रिया और आज जब नतीजा अनाउंस हो रहा था सच्ची सच्ची बताना तब क्या यानी जब चारों ने स्पीचेस कर ली तब क्या लग रहा था कि कितना परसेंट चांस है मेरा यकीन था आपको कि हाँ मेरा काम बन गया आपको लग रहा था गड़बड़ हो गई है चारों ने अच्छी तकरीर की तो थोड़ा थोड़ा 25-25 सबका चांस पूरा पूरा डिवाइड कर दिया भाई तो भाई मैं इकरार में जरा ले आता हूँ एक अलामती तौर पे चेक जाहिर है आपको रखूंगा डिलीवर हो जाएगी लेकिन मैं चाहूंगा एक दफा हम हमारे तीनों साथियों के लिए बहुत सारी तालियां बजाएं जिन्होंने बहुत अच्छा ऑफ कोर्स आप लोगों ने गोस विदाउट सेइंग बहुत ही अच्छा जबरदस्त स्पीचेस किए सबने जाहिर है मुकाबला किसी एक मिनट देना लेकिन ये अलामती तौर पे वीगो टेल का ये ₹2,00,000 का चेक आपका होता है जबरदस्त खुश रहो बहुत-बहुत मुबारक वेरी वेल डन आइए आइए आप क्या बताइए कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप क्या देखिए जो शानदार बात थी कि जाहिर है बाकी मुकर्ररीन ने माजी के बहुत सारे हवाले दिए और बहुत सारे मौजूआत लेकिन मोईज़ ने अपनी उम्र के अपनी नस्ल के एतबार से जो चैलेंजेस दरपेश हैं माहौलियाती आलूदगी और बाकी जो दीगर मसाइल हैं हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान आलूदगी की तरफ बढ़ रहा है फ़ज़ा जो है वो सांस लेने के काबिल नहीं रहेगी और उसको बहुत अच्छे अंदाज ऐसा नहीं कि मौजू खुश्क था और उसको बोरियत बहुत शानदार अंदाज में उसको निभाया भी तो ये वो एक चीज़ थी जिसने मुझे लगता है कि डिफ्रेंशिएट किया लेकिन बाकी बहरहाल ज़ाहिर है बहुत बेहतरीन मुकर्रर और आज मोईज़ का दिन था माशाल्लाह ज़बरदस्त बहुत शुक्रिया सबका ज़ाहिर हमारे जो रनर्स अप हैं उनके लिए भी इनामात हैं जो कि मैंने अनाउंस किए हैं सिविसन की जानिब से और हमारे दीगर साथियों की जानिब से जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जो कि थ्रू आउट इसमें हमारे साथ रहे ₹2,00,000 का इनाम है आपके लिए और बाकी थर्ड और फोर्थ के लिए सिविसन की जानिब से स्मार्ट वॉच है रनर अप के लिए वीगो टेल की जानिब से मोबाइल का तोहफा है सबका बहुत बहुत शुक्रिया शान रमज़ान 2024 का ये पहला मुकाबला बाकायदा तौर पर हम कंक्लूड कर रहे हैं अपने अख्तिताम को पहुंच रहा है डिबेट कंपटीशन जाविया वी गोटेल जाविया आप सबकी समात होगा बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा